वॉइस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। शिक्षा विषय पे खास बातचीत। वॉइस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ वॉइस ऑफ एजुकेशन में बात करने के लिए इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। आइए उनसे हम उनका विशेष परिचय लेते हैं और आगे बात करते हैं। सर, अपना परिचय दिया जाए। मुकेश कुमार, और मैं इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल को चलाता हूँ और बिशप स्कॉट एक ब्रांच है हमारा छोटा बच्चे के, बिशप स्कॉट वर्ल्ड स्कूल। अच्छा, ये बताइए पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स कैसे स्कूल सेलेक्ट करें, कैसे उनको लगेगा? स्कूल का तो भीड़ है मार्केट में, अच्छा स्कूल जो है बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, कुछ पॉइंट्स बताइए इस पर। गार्जियंस को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको बिल्डिंग देखना चाहिए, बच्चे का एनवायरनमेंट देखना चाहिए, किस तरह के बच्चे हैं। आजकल इंग्लिश के एनवायरनमेंट होने के, इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी बच्चे को इंग्लिश में नहीं बात करवाया जाता है, ये इस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। कि स्कूल वाले को भी फोकस देना चाहिए कि किस तरह से बच्चे इंग्लिश में बात करें, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो इंग्लिश में बात करें, और टीचर्स भी उसको इंग्लिश में ही बात करके बच्चे को सिखाएं कि कैसे बात किया जाता है। तो पेरेंट्स कैसे ये सब समझ पाएंगे स्कूल में जाके कि हम कैसे सेलेक्ट करें यही अच्छा स्कूल है? गार्जियंस को पहले तो देखना चाहिए, एनवायरनमेंट देखना चाहिए स्कूल का, किस तरह का कहाँ पर सिचुएटेड है और वो किस तरह का वहाँ पर गंदगी है कि नहीं, साफ़ सुथरा है कि नहीं, और टीचर्स का क्वालिटी देखना चाहिए, किस तरह के टीचर्स हैं वहाँ पर, टीचर्स से बात करके देखना चाहिए कि टीचर्स किस क्वालिटी के टीचर्स हैं। उस पर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे स्कूल्स होते हैं, मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का जो है वो साफ़ सफाई और स्कूल के टीचर, ये तीन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये इस पर डिपेंड करता है ज़्यादा। चलिए, सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपने गार्जियन को मार्गदर्शन दिया, आशा है कि इससे लाभ उठाएंगे।